ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਧਵ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਅਭਿਆਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਧਵ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जल्दी ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਰਿਤਿਕ ਬਜਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਧਵ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਦਰਨੀਯ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ सारे जिन्हें पत्रकार बंधु मेरे वीर बड़े आए ने सारियां नू वेलकम सारियां दा जियान करदे आं जी असीं कि तुसीं समाज दी जिहड़ी है अहम रोल हो अहम तुसीं साडा अनमोल मोती हो तुहाडा जियान नू इत्थे आण ते मैं रामपाल शर्मा संगठन मंत्री पंजाब प्रदेश शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे तो और आदरणीय पंजाब अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी साडे पंजाब अध्यक्ष ने और पार्टी ने साडे पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे और साडे यूथ दे जिन्हां को हिंदुस्तान दी यूथ इकाई दे अध्यक्ष साडे आदित्य साहब ठाकरे जी और कुछ दिन पहले साडे अशोक तिवारी जी राष्ट्रीय संगठक आए सीगे और माननीय पंजाब अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी दे दिशा निर्देशों के अनुसार साडे सांसद अनिल देसाई साहब और राज्यसभा मैंबर प्रियंका चतुर्वेदी जी उन्हां दी देखरेख दे विच जिहड़ा पंजाब दे विच 10 प्रभारी जिहड़ा नियुक्त कीते सीगे और वो 10 दे विच मैं 2-2 जिले दित्ते सीगे और मैनू संगठन मंत्री होण दे नाते 2 जिले जिला गुरदासपुर और फजिलका दित्ता सीगा और अज जिला फजिलका दे विच मेरा पहली जड़ी है वो विजिट हैगी है और साढ़े इतों के जिला प्रधान अमन डोडा जी और साढ़े पुराने शिव सैनिक साढ़े सिंगला जी सेतिया जी साढ़े वर्मा जी रितिक जी और जिन्ने साढ़े IT सैल के अध्यक्ष ने और सारिया का इस मीटिंग दे विच जिन्हें भी साडे कार्यकर्ता मैंबर शिव सैनिक आए ने सारियां दा मैं दिल दियां गहराइयां तो शुभ कामनावां दिंदा आ कि अपना समय कीमती कढ के हिंदुत्व नूं मजबूत करन दे लई और पार्टी दे मनोबल नूं उच्चा चुकन दे लई इन्हां ने अपना समा कढ़िया आ। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और साडे हिंदू हिरदे सम्राट पार्टी दा जिहड़ा गठन है 19 जून 1966 दे विच हिंदू हिरदे सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने किया सीगा। मैं दस देना चाहना हाँ कि शिवसेना एक ही है और पार्टी का प्रोटोकॉल और जिहड़ी विचारधारा है 20% राजनीति और 80% जिहड़ी है समाज सेवा है और पंजाब दे विच पार्टी जिहड़ी है पंजाब अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी दे देखरेख दे विच चल रही है और पंजाब दे अध्यक्ष योगराज शर्मा जी ने और पार्टी ने मैनू पार्टी की मजबूती दे लई और पार्टी के प्रचार प्रसार दे लई भेजा है और अज फजिलके दे विच जिहड़ी जिले की 21 मैंबरी जिहड़ी टीम है उन्नू असी वेरीफाई करके जिहड़े कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे जिहड़े पार्टी के प्रोटोकॉल नू समझदे आ समाज नू समझदे आ और समाज कल्याण हेतु सारे धर्मां दा सत्कार करदे ने और साफ सुथरी छवी वाले जिहड़े कार्यकर्ता आ उह असी 21 मैंबरी जिहड़ी आ टीम जिहड़ी आ उह असी जिले दी बनाउण आए आ। उहदे नाल नाल जिहड़ी पार्टी दा विचारधारा आ उह लोकां दे दिलां दे विच घर घर तक पहुँचाउण आए आ और जिला फजिलका जिहड़ा उह बॉर्डर दे कंडे आ और जिला जिहड़ा आ लगभग तकरीबन 20 साल
पहले ही जिहड़ा आ 14-15 साल पहले ही बनिया और इन्ना डिवेलप नहीं होया। अलग अलग सरकारां रहियां पर बॉर्डर एरिया होने के नाते इत्थे इन्ना विकास नहीं है। अलग अलग सरकारां आईयां और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये भी पुरजोर मांग करती है कि पंजाब दे विच दिन प्रतिदिन जिहड़ा आ लुट्टां खोहां दा प्रचलन है, स्नैचिंग दे मामले आ और दिन प्रतिदिन जिहड़ा गोलियां दा चलना, बरूदां दा मिलना और बॉर्डर एरिया दे विच ड्रोन दा मिलना चिंता दा विषय है। और जिहड़ा पूरे पंजाब दे अवाम ने रवायती पार्टियां नूं छड के आम आदमी पार्टी नूं एक बहुमुल्य जिहड़ा जिहड़ा वह मैंडेट दिता सीगा और सत्ता दे विच लिआंदा सीगा, अज लगभग दो साल हो गए आ सिर्फ और सिर्फ जमीनी पद्धर दी असीं गल करिए तां आम आदमी पार्टी दे सरदार भगवंत मान जी वह जमीनी लैवल ते जिहड़े आ वह बेअसर साबित हो रहे ने, क्योंकि वह पंजाब नूं छड के ताजे चुनावों दे विच वक्खरी वक्खरियां स्टेटां दे विच भ्रमण करन जांदे आ, वह पैसा कित्थों आंदा आ? असीं पार्टी दे सरमौर होण दे नाते पार्टी दी एक प्रोटोकॉल नूं फॉलो करदे होए असीं आदरणीय भगवंत मान जी नूं यह भी बेनती करांगे कि सीएम तुसीं पंजाब दे हो ते पंजाब दे विच जिहड़ा रहना जिहड़ा आ वह पवेगा, क्योंकि लोगों ने तुहानू सत्ता दे विच लिआंदा आ और जिन्ने भी तुसीं वादे कीते आ उहनां नूं पूरा करन दे लई तुसीं जिहड़ा हैगा आ वह जमीनी लैवल ते कम करो। दूसरी गल, ताज़ा कुछ दिन पहले सुखदेव सिंह गोगा मड़ी का जिहड़ा कतल हो गया आ, साडे पंजाब दे विच जिन्ने भी समाज नूं प्यार करदे ने, जिन्ने भी हिंदुत्व नूं लै के कम करदे ने, साडे फजिलका दे विच साडी टीम पुरजोर मेहनत दे नाल सारे समाज का सम्मान करदे होए वर्क कर रही है और हैगी है, और असी पंजाब सरकार कोलो ये भी मांग करते हैं कि जेडे साडे पंजाब दे विच कर्मठ ईमानदार साडे कार्यकर्ता ने उन्हां दी सुरक्षा भी जिहड़ी आ उह लाभमंद कीती जाए। कुछ दिन पहले सुखदेव गोगा मड़ी जी का कतल हो जाता है उन्हां दे घर दे विच ही, और पंजाब सरकार ने पंजाब सरकार नूं भी और पंजाब दे आला कमान अधिकारी माननीय डीजीपी साहब गौरव जादव जी और पिछले समय जिहड़े डीजीपी सीगे उन्होंने भी जिहड़ी इनपुट जिहड़ी उह भेजी सीगी, लेकिन राजस्थान सरकार ने उन्हां दी सुरक्षा नूं जिहड़ा हैगा उह पुख्ता मजबूत नहीं किया, जिहदा खामियाजा तुहाडे सामने आ कि अज सुखदेव सिंह गोगा मड़ी एक अहम समाज दे रतन सीगे वो साडे विच नहीं आ। अज इतिहास दे पहली बार जोधपुर राजस्थान बंद होया आ, क्यों होया आ? असी पुरजोर मांग करदे आ कि इस तरह दी हत्यावां सिट बना दित्ती गई है जी, सिट पहले क्यों नहीं बनी? हुण तुसीं सिट बनाती है उहदी जदों विच दुनिया च नहीं आ, सिट पहले बनांदे। मैं दोबारा कहना चाहना आ कि पंजाब जिहड़ा हैगा वह गैंगस्टरवाद इस सरकार दे विच दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित हो रहा आ, नशा वध रहा आ, और इहदे नाल नाल मैं ये भी कहांगा कि पंजाब जिहड़ा आ वह गोले बरूद ते बैठा होया आ। मैं पंजाब सरकार दे आदरणीय भगवंत मान जी नूं बेनती करांगा कि साडी पुलिस दे आला कमान अधिकारी माननीय डीजीपी साहब गौरव जादव जी और जिन्हें भी साडे मेहनती अफसर ने उन्हां नूं फ्री हैंड छड्डिया जाए तां जो लुधियाणे वर्गे लुधियाणे एनकाउंटर दे विच साडे पुलिस दे जवानां ने एनकाउंटर दे नाल जिहड़ा आ जिहड़े समाजिक विरुद्ध सीगे उन्हां नूं एनकाउंटर दे द्वारा जिहड़ा आ मारिया गया है। इसे तरह ही हर जिले दे विच साडे आला कमान दे जिहड़े अधिकारी ने माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब एसएसपी साहब सारिआं नूं ये अधिकार दित्ते होने चाहीदे आ
कि जेड़ा भी समाज नू खराब करता है, आपसी भाईचारे नू खराब करता है, जां जेड़ा भी स्नैचिंग दे मामले उन्हां नू फास्ट ट्रैक कोर्ट दे अधीन जेड़ा या उन्हां नू होनी चाहिए है। एक मेरी गल होर भी ध्यान दे विच आई है जिला फजिलका दे विच कि शिवसेना लोकां दे नाल बिल्कुल खड़ी है, खड़ी रहेगी। हिंदुत्व का मुद्दा तो साढ़े को है ही है, हिंदू तो असी है ही है, सानू कोई प्रमाण पत्र नहीं किसी देना पैना, चाहे बाबरी मस्जिद की गल कर लीए, चाहे किसी भी समाजिक गल कर लीए, सानू ये नहीं प्रमाण पत्र देना कि असी सनातनी हाँ, असी हिंदू हाँ। पर असी हिंदू सनातनी होने के नाते सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। साडा पंजाब दे विच पंजाबियां दे नाल जदों पंजाबियां दे नाल असी खड़े हाँ तो असी खड़े हाँ। बाकी मैं लास्ट च बेनती करांगा कि अपने पत्रकार बंधुआं नूं भी कि जेड़ा भी शिवसेना दे साडे संगठन दे विच ये बिल्कुल नहीं है, साडा संगठन सिर्फ साफ सुथरी छवि दे लोगों का आ, और जेड़ा शिवसेना दे नां ते गलत तरीके दे नाल पैसे लैंदा आ जां धार्मिक मुद्दा बना के अपनी राजनीतिक अपने स्वार्थ दे लई रोटियां सेकदा आ। मैं अमन डोडा जी नूं भी जिन्नी इत्थे साडी लीडरशिप बैठी आ सारे ही अगर पार्टी दे किसी भी मैंबर दा ये शिकायत है तां ओह बकायदा मैनू दे सकदा जां पार्टी हाईकमान साडे पठानकोट पंजाब अध्यक्ष जी दे दफ्तर दे सकदा आ। और जिहड़ा पर यह जरूर होवे कि उसनू तुहाडे माध्यम दे द्वारा यह जरूर होवे कि उसनू देखिया जाए कि यह कि शिवसेना का है। मैं तुहाडा सारिआं दा क्योंकि समा बहुत ज्यादा हो गया, मैं सारिआं दा एक बार दोबारा जी हां कहना है, जय श्री राम। भारत मत देखो जी, भगवा नूं लैके भगवे नूं कोई अभियान नहीं है। भगवा जदों शिवसेना का नाम आ जाता है तो जदों सनातनी शब्द आ जाता है तो वह अभियान ही है। जदों सनातनी है वह समय समय के जेड़े भी साढ़े काम है, फॉर एग्जाम्पल साडा भगवा मार्च है या भगवा रैली है या साडा कोई परशुराम जयंती आ रही है या अपने सूरबीरां दा दिन मनाना है, ये सारा भगवा करनी है। और जदों भी कोई भगवा करन जां भगवा मार्च का प्रोग्राम निश्चित किया जाएगा तो तुहानूं वह भी दस्या जाएगा। तुसीं जिक्र किया कि ये तुसीं देखना है कि कोई होर शिवसेना तो नहीं, यानी कोई होर शिवसेना भी तो तुहाडे कोल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई पैसे इकट्ठे करता है या कोई होर गलत काम करता है? देखो जी, साडे ध्यान च यह आया सीगा कि शिवसेना के नाम से कुछ जिहड़े अपनी राजनीतिक रोटियां सेकदे आ शिवसेना के नाम से, मैं शिव सैनिक नहीं किया, शिवसेना के नाँ ते वो तुहानू भी मैं बेनती की आ कि वह देखा जाए, असी भी देखांगे कि वह शिव सैनिक हैगा या कि जां नहीं हैगा। अगर शिव सैनिक नहीं है तो असी उहदी कंप्लेन करांगे, असी उहदे ते कार्रवाई करांगे पार्टी लैवल ते। अगर वह शिव सैनिक हैगा या तो तुहाडा भी फर्ज बनता आ कि उहदा पर्दाफाश करना। तुसीं कहा 20% पार्टी देखो जी, मैं तुहानू दस देना चाहना कि जिहड़े पिछले चुनाव होए आ, चाहे बिहार की गल कर लीए चाहे पश्चिम बंगाल की गल कर लीए, असीं उत्थे इलैक्शन लड़े आ। और ते अगर मैं पंजाब की गल करा तो साडे पार्टी दे साडे पठानकोट दे विच ही, पठानकोट देहाती एरिए दे विच ही साडे सरपंच ने, साडे एमसी दे जिहड़े चुनाव लड़दे ने, असी खुद अपने जिला हुशियारपुर दे विच जिहड़े एमसी दे चुनाव लड़े ने। पार्टी जिहड़ी 20% दी तुसीं गल कीती आ, पार्टी 20% दी राजनीति कर रही है और करदी रहेगी। और असी सेवा भावना दे लई तां असी 24 आवर असी समाज च ही हां। देखो जी, फजिलका दे विच मेरा पहला अज दौरा हैगा आ, और
मैं अपने कार्यकर्ता दे नाल इत्थे जिहड़ियां त्रुटियां ने जिहड़ियां समाजिक गल्लां ने जिहड़ियां भी इत्थे कमियां ने वो डिस्कशन करांगे और फजिलका दे विच जो लोगों नूं असली जरूरत है जो जमीनी काम ने असी वो जरूरी नहीं है कि वह सत्ता अंत ही करांगे। असी अगर सत्ता तो बाहर भी हैं तो असी सरकार दे खिलाफ मोर्चा भी लावांगे, सरकार दे खिलाफ असी अपनी आवाज जिहड़ी है वो बुलंद करदे सी करदे हैं करदे रहांगे। शर्मा जी फाजिलका पहुंचे ने, असीं इहनां दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं ते नाले उम्मीद करते हैं भी ये अगे भी इस तरह दौरे करते रहेंगे ते साडे सारे शिव सैनिकां नूं लामबंद करते रहेंगे। अज इहनां दे आण नाल सानूं एक उत्साह जोश है जो असीं अगे बरकरार रख के समाज विच फैली हुई है बुराइयां दे खिलाफ डट के अगे तरह खड़े होकर उन्हां खिलाफ लड़ांगे ते अगे इहनूं काम नूं कारवाई नूं अगे वधावांगे। अज जिहड़े सरोते पाए गए ने इह किस उपरक्ष पाए गए ने, की जिम्मेवारी सौंपी गई है या कोई उहनां च नवां उत्साह लैंदा? ये कुछ जेड़े साडे पहले पदाधिकारी सी उन्होंने एक उत्साह जगाया गया है, कुछ नु शामिल भी किया गया है। आने वाले समय च लोगों नु यही कहना चाहवांगा जिवें अगे दी तरह लोकी साडे नु संपर्क करदे सी जो कोई समस्यावां हुंदी सी उहनूं पहल दे आधार ते जिन्ना साडे कोल हुंदा सी उस तों अलग जाके समस्या नु हल कराया जांदा सी, उस तरह ही इह समस्यावां दा अगे तरह हल कराया जाएगा ते लोकां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ा जाएगा। एक पार्टी हाईकमान दे दिशा निर्देशों के अनुसार कि जिहड़ा साडा पार्टी का कार्यकर्ता पहचान पत्र है वो असी सारे कार्यकर्ताओं नूं देवांगे तां जो असी पार्टी का निशान और पार्टी की जिहड़ी पहचान जिहड़ी फजिलके दे विच है जिस तरह कि तुसीं सवाल कीता सीगा वो साडी निश्चित जिहड़ी है वो होवे। ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਮਨ ਡੋਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ।